तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंट्रोडक्शन टू फाइल है कि ये फाइल क्या होती है। देखिए कंप्यूटर में जो मेजर कंसेप्ट है वो FILE फाइल से रिलेटेड है। फाइल के लिए कहा जाता है फाइल्स आर द ऑब्जेक्ट, फाइल्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और जैसे हमने ग्रामर में पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा आइटम जिस पर क्या किया जाए, काम किया जाए, अ थिंग डेट हैज टू बी वर्क, जिस पे काम किया जाना है। तो फाइल्स हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ही लेके चलते हैं जो हमारे काम पे आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनमें काम करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं फाइल, ये कितने तरह के होते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि फाइल की टाइप्स कितनी तरह की होती है, फिर हम देखेंगे किस तरह से वजूद पे आती है फाइल टाइप्स। तो फाइल टाइप जो होती है, जैसे टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ठीक है, ये इसकी एक टाइप है। इमेज फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, ठीक है, और शीट स्प्रेड शीट हो सकती है, और प्रेजेंटेशन हो सकती है, और वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, ठीक है, म्यूजिक हो सकती है, और क्या हो सकती है, स्केच हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, स्केच हो गया, स्केच में मैप भी आ गया, और ये अच्छा सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं, और गेम्स भी सॉफ्टवेयर की ही एक टाइप है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स हमारे कंप्यूटर में क्रिएट हो रही होती हैं, टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक, स्केच, और यही सारी फाइल्स हमारे मोबाइल में भी आ रही होती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इन्हीं फाइल्स को हम कह रहे होते हैं फाइल्स आर डेटा। फाइल्स क्या है? इन्हीं फाइल्स को आप डेटा कहते हैं ना, मेरा मोबाइल में डेटा है, मेरा कंप्यूटर में डेटा है, तो यही फाइल्स होती है जिनको आप डेटा कह रहे हैं। अब ये फाइल्स क्रिएटेड कैसे, फाइल कैसे क्रिएट होती है, वेयर वेयर फाइल्स कम, कैसे आती है फाइल्स, कहाँ से आती है? देखिए कंप्यूटर में कोई भी चीज खुद से नहीं हो रही होती, या तो कंप्यूटर उसको जनरेट कर रहा होता है किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, या फिर आप उसको जनरेट कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं किसी सॉफ्टवेयर के जरिए। तो यहां पर ध्यान में रखें, फाइल्स ऑलवेज कम फ्रॉम इट्स पेरेंट सॉफ्टवेयर। फाइल्स हमेशा अपने एक पर्टिकुलर पेरेंट सॉफ्टवेयर से वजूद में आती है। तो यूं कह सकते हैं सॉफ्टवेयर पेरेंट है, तो फाइल जो है उसका क्या है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है अगर पेरेंट है तो फाइल उसका क्या होगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब एक सॉफ्टवेयर से एक ही तरह की कई सारी फाइल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमें पता चला कि फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर से उस तरह की फाइल बनेगी, मतलब टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर होगा, इमेज बनाने के लिए इमेज का सॉफ्टवेयर होगा, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका अलग सॉफ्टवेयर होगा, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ऑडियो बनाने के लिए, म्यूजिक स्केच बनाने के लिए, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, इनके अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे ये चीजें वजूद में आती हैं, और इन्हीं को हम फाइल्स कह रहे होते हैं, ठीक है। हाँ अब जब वो फाइल्स बहुत सारी आपस में जुड़ जाती हैं और एक हमारे लिए खेलने का सामान बन जाता है तो उसको हम गेम्स कह देते हैं। वो एक एप्लीकेशन बन जाती है, जैसे व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, तो वो उसको हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी फाइल्स जुड़कर एक साथ काम कर रही होती है, और गेम्स में भी सेम सिचुएशन होती है, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं कि एक सिंपल टेक्स्ट फाइल कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल क्या होती है याद रखिएगा, आगे जाके ये चीजें दोबारा से रिवाइज होंगी आपकी। सिंपल टेक्स्ट फाइल, सिंपल टेक्स्ट फाइल का मतलब है टेक्स्ट फाइल डेट क्रिएटेड फ्रॉम अ टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल।
which contained text means characters, words, symbols, numbers. इन सबसे मिलके बनता है आपका टेक्स्ट. इन सबसे मिलके क्या बनता है? टेक्स्ट. कैरेक्टर्स, वर्ड्स, सिंबल्स, नंबर्स, ये सब मिलके बनाते हैं टेक्स्ट. अंडरस्टैंड? क्या क्रिएट करते हैं? टेक्स्ट. तो यहां पर देखिए कि आपने ये समझा कि जो टेक्स्ट फाइल होगी, जिसको हम सिंपल टेक्स्ट फाइल कह रहे हैं, उस सिंपल टेक्स्ट फाइल एक सॉफ्टवेयर से बनेगी जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर. क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटर. और इसके अंदर जो फाइल बनेगी वो मिलकर बनेगी कैरेक्टर्स, वर्ड्स, सिंबल्स और नंबर्स से. समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गई?